अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ में हूँ आयशा जुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट पर खुसूसी अदालत का फैसला एक घंटे बाद सुनाया जाएगा। साबिक सदर की तलबी होगी या इस्तिस्ना मिलेगा, पूरी कौम को इंतजार। सदारती इस्तिस्ना खत्म होने के बाद आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। पोलो ग्राउंड और कोर टेक्नोलॉजी रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकला कहते हैं सबूत ही नहीं तो फर्द जुर्म कैसे। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि गुज़श्ता पांच साल के मसाइल उनके कंधों पर आन पड़े। मुल्क में अफरा तफरी इसलिए है कि माजी की हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में पीआईए में बेज़ाब्तियों के केस की समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि चेयरमैन की तकर्री के लिए वजीर आजम ने दो उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर लिए, मजीद एक इंटरव्यू के बाद मंजूरी देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने शाहजहां बलोच की दरख्वास्त जमानत सुनने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली पर अरशद पप्पू कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम है। कराची में अबुल हसन अस्पहानी रोड पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। रेंजर्स का मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन, 27 मुलजिम गिरफ्तार। गुजरांवाला में सेशन कोर्ट के अहाते से कत्ल का मुलजिम हथकड़ी समेत फरार हो गया, पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान पहली बार 26,500 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। और दुबई टेस्ट के दूसरे रोज श्रीलंका के खिलाड़ियों की संभल कर खेलने की कोशिश। पाकिस्तान ने आज दो विकेटें हासिल कर लीं।